नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस मॉक SSC पर। प्यारे दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं विद स्टैटिक, ठीक है। और जो आज का जो महत्वपूर्ण जो दिन में जो न्यूज़ में चला, न्यूज़ में जो रहा इम्पोर्टेंट, वो भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो पूरे वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। कमेंट के माध्यम से जो भी आप इसमें चाहते हैं तो वो भी बताइएगा, आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। साथ ही साथ जो भी मैं आप लोगों के लिए जो क्वेश्चंस पूछता हूँ उसका उत्तर भी आप लोगों को देना। बहुत ही कम बच्चे आंसर देते हैं, डेली वही यूजर्स या स्टूडेंट्स देते हैं, ठीक है। जो न्यू नए व्यूवर्स हैं, प्लीज़ वो भी आंसर दिया कीजिए, सही या गलत वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, उससे पहले दो लाइन। प्यारे दोस्तों, काफ़ी अभी इम्तिहान बाकी है, युद्ध का अभी आगाज बाकी है, तोड़ती है मुसीबतें तो तोड़ने दो, हौसलों में भी अभी जान बाकी है, हौसलों में भी अभी जान बाकी है। कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी विपत्तियां आए, ठीक है, लेकिन आपके अंदर आपके हौसले हारने नहीं चाहिए, आपके हौसलों में जान बची रहनी चाहिए। हौसलों में थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी जान बचा के रखिएगा, उसे कंप्लीट करने में मैं अपना रोल प्ले करूँगा, ठीक। तो संघर्ष कीजिए, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। ऐसे ही पढ़ के, ठीक है, 24 घंटे यदि आपको मिले पढ़ने के लिए तो आप पढ़ के कर सकते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो जॉब करके पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनका संघर्ष जो है वो अलग ही होगा और उन्हें भी डेफिनेटली जो है वो विनर होंगे, डेफिनेटली उन्हें सक्सेस मिलेगी। तो अपने हौसलों में जान बचा के रखिएगा, बाकी डेली उसे बूस्ट करने का काम मैं करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और स्टैटिक पोर्शन को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग जो है जो आज का जो इम्पोर्टेंट जो चर्चा में था उसे भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं जो आज जो चर्चा में है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मैं लेकर आता हूँ, वो मैं शुरू करता हूँ। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पोड टैक्सी, फर्स्ट पोड टैक्सी वो इंडिया में कौन से स्टेट में है, विच स्टेट में जो है वो लॉन्च की गई है फर्स्ट पोर्ट टैक्सी। इसे जानने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ पोर्ट टैक्सी क्या होती है। प्यारे दोस्तों, पोर्ट टैक्सी जो है वो मेट्रो की तरह होती है, अंतर उसमें इतना होता है कि वो जो है उसमें ड्राइवर नहीं होता, ड्राइवर लेस होती है वो, और वो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, ठीक है, मतलब उससे इलेक्ट्रिक के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है, ड्राइवर वगैरह नहीं होते हैं। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि काफ़ी समय की बचत की जा सकती है। तो भारत का पहला स्टेट जिसने ये पोड टैक्सी को लॉन्च किया है वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश है फर्स्ट पोड टैक्सी लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट। मैंने आप लोगों को बताया इलेक्ट्रिक है ये, और साथ ही साथ जो है ड्राइवर लेस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल 356 आप सभी को पता है, प्रेसिडेंट रूल, लेकिन चर्चा में है आर्टिकल 355, और क्यों है? मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है मणिपुर में, वहां पे कम्युनिटी है कुकी कम्युनिटी, अभी न्यूज में भी देखा होगा, वो लोग अपनी मांग को मनवाने के लिए भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन भी वो लोग दे रहे हैं। तो उनकी मांग क्या है, वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 355 मत लगाइए, आर्टिकल 356 लगाइए। तो 355 इम्पोर्टेंट है और चर्चा में है, 356 सभी को पता होता है मोस्टली कि उसमें जो है प्रेजिडेंट रूल, यदि मान लीजिए वहाँ का जो गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट अभी यदि शासन व्यवस्था चलाने में नाकाम रहे तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन 356 लगा दिया जाता है। लेकिन 355 क्या है प्यारे दोस्तों? भारत के किसी भी राज्य में यदि आंतरिक गड़बड़ी हो, ठीक है, या कोई बाह्य आक्रमण हो, तो केंद्र सरकार को आर्टिकल 355 कहता है कि केंद्र सरकार जो है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के लिए जो है निर्देश दे सकती है, वहां पे मतलब सुरक्षा को बनाने के लिए वो कोई भी जो है कदम उठा सकती है, ठीक है। तो 355 जो है इस यूनियन गवर्नमेंट को ये
परमिशन देता है। तो ये क्या है, मैंने आप लोगों को बताया आर्टिकल 355 क्यों चर्चा में है। मणिपुर में ये लगा हुआ है, ठीक है, मणिपुर में इसके द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है शांति बहाल करने की जो है कोशिश कर रही है। तो 355 हम लोगों ने देखा, आर्टिकल 355। अगला क्वेश्चन, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, स्टेटस ऑफ टाइगर रिपोर्ट, ठीक है, टाइगर की संख्या को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में टाइगर की संख्या को बताया गया है कि भारत में जो है टाइगर की संख्या है वो कितनी है। तो प्यारे दोस्तों, भारत में टाइगर की संख्या है 3167 और सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में किस स्टेट में है, MP में, ठीक है। अब आप लोगों को कमेंट में बताना है जो गिर सेंचुरी है, जो गिर सेंचुरी है या जो गिर वन है वो भारत के किस राज्य में है, वो आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नाटो क्यों चर्चा में है। नाटो की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में हाल ही में 31st कंट्री जो है वो शामिल हुई है, 31वीं कंट्री शामिल हुई है, वो कौन सी कंट्री है, फिनलैंड। यानी कि यदि हम नाटो की, सभी बच्चे अपडेट कर लीजिएगा, नाटो की जो अब जो सदस्य संख्या है देशों की वो कितनी हो चुकी है, 31 और 31वां जो नाटो का सबसे नया सदस्य है वो है फिनलैंड, ठीक है। नाटो का अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है ब्रसेल्स में, जो कि कहाँ, बेल्जियम में है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, नाटो में 31st जो है कंट्री हो चुकी है, टोटल 31 कंट्री है नाटो में। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्यारे दोस्तों, नदी आपने कभी देखा है या सुना है या सोचा है, लेकिन वो आपकी सोच वो जो कंप्लीट हो चुकी है। भारत का एक ऐसा शहर जिसने नदी के अंदर मेट्रो ट्रेन चला दी है। आप में से कुछ बच्चे जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं या जो मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, ठीक है, सुन के भी अजीब लगा होगा आप लोगों को, भारत के अंदर एक शहर जिसने नदी के अंदर, ठीक है, नदी के अंदर जो है वो मेट्रो ट्रेन दौड़ा दी है। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लू दूँ तो आप लोग अपने मन में इसका उत्तर ज़रूर गुनगुनाइएगा, ठीक है। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका उत्तर ज़रूर गुनगुनाइएगा, क्लू दे रहा हूँ मैं, हुगली रिवर। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए हुगली रिवर कहाँ, किस राज्य में जो है वो बहती है हुगली नदी, गुनगुनाइए मन में। आई होप इतना तो आप लोगों को ज़रूर पता होगा कि हुगली नदी भारत के किस राज्य में है। चलिए मैं बताता हूँ इसका उत्तर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में, भारत में जो है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में नदी के अंदर भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन जो है वो हुगली नदी में एक सुरंग, एक टनल के द्वारा जो है चलाई गई है। तो याद रखिएगा, ठीक है, नदी के अंदर कौन सी है, वो कोलकाता में टनल कहाँ बनाया गया, हुगली रिवर में, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन, ठीक है, कहाँ, रिवर में, ठीक है, नदी के अंदर सुरंग बना के, याद रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 10 दमदार क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। इनमें 23rd अ लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नेम्ड सक्षम हैज बीन इंट्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए सक्षम, तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें चारों ऑप्शन को कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन जो इसका आंसर है सक्षम, ठीक है, सक्षम का संबंध है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी आप लोगों को मैंने बताया था इसके बारे में, कौन इसके मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में किसके अंतर्गत है, कौन है, और साथ ही साथ जो है स्वास्थ्य मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख वाडिया, याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है, MOHFW के भारती प्रवीण पवार। ये रट चुके होंगे आप लोगों को, यही चीज़ें घुमा फिरा के आती हैं, ठीक है, तो आप लोगों को रट जाना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, रिसेंटली पीटीसी इंडिया हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल टू परचेज ऑफ सोलर पावर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। मतलब पीटीसी इंडिया, पीटीसी क्या है? पीटीसी है पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है पीटीसी इंडिया, पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हाल ही में पीटीसी इंडिया ने दीर्घकालिक आधार पर कितने मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने के लिए ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है 100 मेगावाट खरीदा है इसने। पीटीसी की बात करें पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, तो 1999 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और राजीव के मिश्रा इसके CMD है। 100 मेगावाट की खरीदने पे इसका जो है MOU हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एज फाउंडेड इन विच ईयर? ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एजेंसी और सबसे पुरानी और सबसे बड़ी विश्व की, ठीक है, वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। 1911 में इसका जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये जो है ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज है इन द वर्ल्ड में। ठीक, अगला क्वेश्चन, पद्मा देसाई एन इंडियन अमेरिकन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैज पास्ड अवे रिसेंटली, सी वाज अवार्डेड द पद्म भूषण इन विच ईयर? ठीक है, इकोनॉमिस्ट हैं जिनका हाल ही में जो है वो निधन हो गया है, तो वो भारतीय अमेरिकी मूल की हैं, उन्हें पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो उन्हें किया गया था पद्म भूषण से सम्मानित, ठीक है, 2009 में। कब किया गया था? 2009 में। यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, इनकी काफ़ी बुकें, इंडिया प्लानिंग फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जगदीश भगवती के साथ इन्होंने 1968 में लिखी थी, तो ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन कोलैबोरेशन विद नासा हैज अनवील्ड अ न्यू जियोस्पेटियल फाउंडेशन मॉडल डिजाइन टू कन्वर्ट सैटेलाइट डाटा इनटू हाई रिजोल्यूशन मैप? ठीक है, तो ये नासा के साथ जो है, किसने नासा के साथ उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्रों में बदलने के लिए डिजाइन किए गए एक भूस्तनिक न्यू मॉडल का अनावरण किया है? तो वो है IBM ने किया है। किसने किया है? IBM ने। यहाँ हम लोग देखेंगे IBM ने किया है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने कोलेब्रेशन किया था, किया है मतलब नासा के साथ, ठीक है, हाई रिजोल्यूशन जो है मैप। और इससे क्या होगा प्यारे दोस्तों, जो फ्लड बाढ़ आती है, फायर्स हैं, जो भूस्खलन वगैरह, लैंडस्केप, ये सारी चीज़ें होती है, तो इससे हमें जो है काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला रोबोट फ्रेमवर्क किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया फर्स्ट रोबोटिक फ्रेमवर्क हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो वो तेलंगाना की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तेलंगाना के बारे में देखें, कैपिटल इसकी हैदराबाद, गवर्नर इसके तमिलिसाई सुंदरराजन है, और के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के CM है। ठीक है, कौन है? के चंद्रशेखर राव। तो तेलंगाना हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट रोबोटिक फ्रेमवर्क रिसेंटली। अगला क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट न्यूज पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंप्लीमेंट विच अमंग द फॉलोइंग? हाल की खबरों के अनुसार पंजाब ने निम्न में से कौन सा किससे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? देखिए इसका उत्तर जरूर मन में गुनगुनाइए, प्लीज थोड़ी सी दया मुझ पर भी दिखाइए, इसका उत्तर जरूर गिनाइए। दो बार करा चुका हूँ, और कहीं ना कहीं अगर मैं दोबारा इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ तो मेरा मोटिव ये है कि इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है, और अगर परीक्षा में आ गया और आपने वीडियो देखी और फिर भी अगर आप गलत करके आए तो उसमें मेरा दोष नहीं होगा, उसमें आपका दोष होगा। ठीक है, मैं काफ़ी हद तक कोशिश करूँगा कि आप चाह कर भी न भूलें। ठीक है, तो पंजाब जो है किस चीज़ को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो राइट टू वॉक, चलने का अधिकार दिया है पंजाब ने। अब यहाँ प्यारे दोस्तों, चलने के अधिकार से मतलब क्या? हम लोग तो चलते ही हैं, ये तो हमारा अधिकार है, कोई हमसे छीन नहीं सकता। तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा, इसमें ये कहा गया है कि मान लीजिए नई सड़कें बन रही हैं,
ठीक है, तो उसमें रोक दिया जाता है कि नहीं चलेंगे, तो फुटपाथ बनाया जाएगा उस पर चलने का अधिकार, साइकिल के लिए ट्रैक बनाए जाएंगे उस वे में जो है चलने के अधिकार की बात की गई है। तो पंजाब जो है भारत का पहला राज्य है जिसने राइट टू वॉक को जो है दिया है। तो यहाँ देखिएगा पंजाब की बात करें तो कैपिटल चंडीगढ़, बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर और CM सभी को पता है भगवंत मान। मई 2023 में युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च करने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ किसने हाथ मिलाया? इनमें 23rd हैज ज्वाइंड हैंड्स विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू लॉन्च युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट, तो ये किया है MyGOV ने, ठीक है, MyGOV ने ये जो है किया है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है और MyGOV ने इसके साथ जो है हाथ मिलाया है, दोनों मिलके इसको युवा प्रतिभा सिंगिंग टैलेंट हंट को कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट विनर को ₹1,00,000 प्लस ट्रॉफी और सर्टिफिकेट, सेकंड को 75,000 ट्रॉफी सर्टिफिकेट, थर्ड विनर को 50,000 ट्रॉफी सर्टिफिकेट, और जो 17 और प्रतिभागी होंगे उन्हें जो है कैश प्राइज 10,000 का दिया जाएगा, ठीक है, ये आप लोग देखिएगा। विच कंट्रीज मिनिस्टर मैरी एनजी हैज होस्टेड द CEO राउंड टेबल अलॉन्ग विद इंडियाज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल? तो पीयूष गोयल कौन है प्यारे दोस्तों? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो इसमें इसका आंसर है प्यारे दोस्तों, क्या है इसका आंसर? कैनेडा, ठीक है, कैनेडा की जो है कैनेडा की मिनिस्टर है, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट की मिनिस्टर है मैरी एनजी, ठीक है, उन्होंने इस राउंड टेबल में जो है पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था अगर हम इसकी बात करें तो ये टोरंटो कनाडा में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैचुरी बॉडी, क्या ये एक सांविधिक निकाय है? जी बिल्कुल, ये जो है सांविधिक निकाय है। इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, क्या ये बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रण में काम करता है? नहीं जी, तो ये तो हो गया गलत। देयर आर करंटली 9 लैंड पोर्ट्स ऑपरेशनल इन इंडिया, वर्तमान में भारत में 9 भूमि पतन कार्यरत है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर क्या हो गया प्यारे दोस्तों? फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि डी। या मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो LPAI है, ए है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है, ठीक है, किसके अंतर्गत कार्य करता है? MHA के अंतर्गत, ठीक है, ये रहा स्टैचुरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कार्य करता है। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न ये और शुरू में 4-5 इम्पोर्टेंट बताए थे, ठीक है, तो काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट डाटा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और पूरी कोशिश यही रहती है कि परीक्षा में भी काफ़ी हद तक यहां से आपको सहायता मिले, काफ़ी हद तक क्वेश्चन यहां से बने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यहां से बने, कोशिश यही रहेगी। और जब कोशिश करेंगे तो कोशिश सफल भी होगी। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, परीक्षा नज़दीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाइए, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं प्रैक्टिस मॉक ऐप पर उस सभी की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे जाके हमारे ऐप पे जाके टेस्ट को जो है अपना जो है आकलन भी कर सकते हो कि आप लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कुल मिलाकर मेहनत आपको करनी है, हम थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं लेकिन उसमें 90% रोल आपका रहेगा प्यारे दोस्तों। तो आपको मेहनत करनी है तो खा पी के एकदम तंदुरुस्त होइए ताकि मेहनत आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें, ठीक है। कल पुनः मिलेंगे 10 और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए, तनाव रहित पढ़ाई, ठीक है, कोई भी टेंशन नहीं लेना, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं पुनः कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।